हेलो दोस्तों, अभी मानसून सीज़न चल रहा है हमारे उत्तराखंड में। लगातार 5 दिनों से भारी बारिश हो रही है और अभी पूरे सावन के महीने में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई जितनी कि अभी भादों के महीने में हो रही है। यह है मेरा छत का टेरेस गार्डन। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी जगह, मेरा घर के चारों तरफ मेरा गार्डन फैला हुआ है। मैं कभी आपको अपना बैकयार्ड गार्डन, कभी अपना फ्रंट गार्डन इस तरह दिखाऊंगी। यह है मेरा फ्रंट गार्डन। इस समय थोड़ी बारिश रुकी पड़ी है तो मैं बाहर आई हूँ अपने गार्डन की सैर करने और अपने सारे प्लांट्स को चेक करने के लिए कि किस में ज़्यादा ओवर वाटरिंग हुई है। यह देखिए, मेरे छोटे छोटे टबों में मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं, इनको भी मैं एक एक करके चेक कर रही हूँ। यह देखिए, जिसमें भी ओवर वाटरिंग हुई है तो मैं उनका एक्स्ट्रा पानी इस तरह हटा रही हूँ। यह है मेरी गुल मेहंदी के प्लांट्स। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाई थी। यह मेरी गुल मेहंदी के प्लांट भी पूरी तरह पानी में इस तरह डूब चुके हैं। इनके पॉट को मैं ऐसे तिरछा करके तब मैं इनका एक्स्ट्रा पानी इस तरह निकाल दूंगी और फिर इनको तिरछा करके, इनके पॉट को इसी के सहारे तिरछा करके ऐसे रख दूंगी जिससे कि इनमें बारिश का पानी इकट्ठा ना हो। और जितने भी अभी मेरे यह प्लांट्स हैं सभी को मैं बारी बारी चेक कर रही हूँ। यह देखिए, नीचे रूट इनकी इतनी ख़राब हो गई है और इनके पत्ते सारे पीले पड़ चुके हैं। इनके रूट इस तरह फंगस लगने से ऐसे गलने लगी है, आप देख सकते हैं। यह मेरा ड्रैगन फ्रूट भी पूरी तरह ख़राब हो गया है। अगर आपने अपने पॉट्स में जितने भी ट्रे लगा रखी है तो आप इसमें अपनी ट्रे हटा दीजिए, क्योंकि यह ट्रे मैंने गर्मियों में लगाई थी तो अभी नीचे भी मेरा ट्रे में पानी इकट्ठा हुआ है और ऊपर भी मेरे सारे पॉट्स में इस तरह पानी इकट्ठा हुआ है। और ज़्यादा आपके इस तरह पानी इकट्ठा होने से इनमें फंगस लगेगी, यह गलने लगेंगे और फिर ख़राब हो जाएंगे। जितना हमारे प्लांट्स के लिए बारिश का पानी वरदान साबित होता है, उतना ही यह ज़्यादा दिनों तक रुके रहे तो यह नुकसानदायक होता है। इससे प्लांट्स पूरी तरह ख़राब हो जाएंगे। इनके नीचे जो एक्स्ट्रा पानी है इनको आप किसी तार के सहारे से इनके ड्रेनेज होल इस तरह खोल दीजिए, गमलों को तिरछा करके इनका एक्स्ट्रा पानी सभी आप बाहर निकाल दीजिए। और अभी कुछ दिनों में जब बारिश बंद भी हो जाए तो कुछ दिनों तक आप, जब तक इनकी मिट्टी पूरी तरह सूख ना जाए तब तक आप पानी ना, इनमें पानी ना दीजिए। और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि मेरा प्लांट ख़राब हो गया है या ख़राब होने की स्थिति में है तो थोड़ा सा आप इनकी जड़ के नीचे फंगीसाइड पाउडर या हल्दी का पाउडर थोड़ा सा इनकी जड़ों पर डालें, कुछ हद तक आपका प्लांट बच जाएगा।